वीडियो में हमारा टॉपिक है एस्टीमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस लाइक साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। लास्ट वीडियो में हमने पैरेलेक्स मेथड की बात की थी विच इज़ यूज्ड टू मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। बच्चों, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो या फिर बहुत छोटी हो, दोनों ही केसेस में हम डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ कर पाते हैं। डायरेक्ट मेथड से आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पर हम स्केल यूज़ कर सकें, वर्नियर, कैलिपर्स या फिर स्क्रू गेज यूज़ कर सकें, मींस कोई हम डिवाइस यूज़ कर सकें लेंथ को मेज़र करने के लिए। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है या बहुत छोटी है, दोनों ही केसेस में हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प लेते हैं। आज भी हम इसी तरह से एक मॉलिक्यूल के साइज़ का ऑर्डर जो है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे बाय इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पर हम ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज़ जो है वो फाइंड करेंगे। तो बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल का साइज़ होता है वो 10^-8 मीटर से लेकर 10^-10 मीटर तक का होता है। अब इसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से मेज़र नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम उन्हीं लेंथ को मेज़र कर सकते हैं जो लाइट के विजिबल पार्ट की वेवलेंथ, जो कि होती है 4×10^-7 से 7×10^-7 मीटर तक। इससे ज़्यादा बड़ी जो लेंथ होंगी हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से उनको मेज़र कर पाएंगे। हाँ, लेकिन इससे छोटे डिस्टेंस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर टनलिंग माइक्रोस्कोप के से मेज़र कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम एटॉमिक लेवल पे डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। बच्चों, इनके बारे में हम क्लास 12th में डिटेल में बात करेंगे। आज हम एक सिंपल मेथड के बारे में बात कर रहे हैं टू एस्टीमेट द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑलिक एसिड। तो बच्चों, आइए अब इसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरह से हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड फाइंड करते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने ऑलिक एसिड ही क्यों लिया। बच्चों, ऑलिक एसिड में एक तो क्या है कि इसके मॉलिक्यूल का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा लार्ज होता है, जिससे कि कैलकुलेशन इजीली हो पाती है। सेकंड, इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो ये वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता है, और वाटर की सरफेस पर ये ढेर नहीं बनाता, सिंगल लेयर में फ्लोट करता है ये, जिससे कि इजीली हम साइज फाइंड कर सकते हैं इसके मॉलिक्यूल का। एंड द थर्ड वन, कि ये वाटर के साथ इनसॉल्युबल है, मिक्स नहीं होता है उसमें, इसलिए हम ऑलिक एसिड यूज़ करते हैं। और इसका सॉल्यूशन हम अल्कोहल के साथ बनाते हैं, क्योंकि जब हम इसको वाटर की सरफेस पर पोर करेंगे तो अल्कोहल तो इवोपरेट हो जाएगा, बस वहाँ ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बचेंगे जिनका साइज हमें फाइंड करना है, इसलिए हम अल्कोहल और ऑलिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसीजर। सबसे पहले बच्चों, हमने 1 cm³ ऑफ ऑलिक एसिड लिया और उसको 20 cm³ ऑफ अल्कोहल के साथ मिक्स कर दिया। तो इस तरह से हमने एक सॉल्यूशन बना लिया S1, जिसमें ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन हो गई 1/20। अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन S1 से फिर से 1 cm³ लेते हैं और उसको 20 cm³ ऑफ अल्कोहल में मिक्स कर देते हैं अलग। तो अब हमें इस तरह से S2 सॉल्यूशन मिल जाता है, जिसकी कंसंट्रेशन है, जिसमें ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन है 1/400 cm³। ठीक है बच्चों, अब ये S2 सॉल्यूशन हो गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि एक ड्रॉप अगर हम इस सॉल्यूशन की लें तो उसका वॉल्यूम लगभग कितना होगा, ये अप्रॉक्सीमेशन कर लेते हैं हम। अब एक हम ब्रॉड वेसल में वाटर लेते हैं और वाटर की सरफेस पर लाइकोपोडियम पाउडर जो है वो स्प्रिंकल कर देते हैं। ये हमारी हेल्प करता है उस एरिया को फाइंड करने में जितने एरिया में ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब बच्चों, इस वाटर की सरफेस पर एन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन S2 वो पोर की जाती हैं। अब जैसे ही ड्रॉप इस पर पड़ती हैं पाउडर पर, तो वो वहाँ पर एक सर्कल बना लेती हैं, पाउडर को पीछे करते हुए वो उसका स्पेस ले लेती हैं और एक सर्कुलर फॉर्म में एक थिन फिल्म बन जाती है वहाँ पर ऑलिक एसिड की, और जो उसमें अल्कोहल होता है वो तो इवोपरेट हो जाता है, तो सरफेस पर सिर्फ और सिर्फ ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बचते हैं। बच्चों, अब ये जो यहाँ पर एक ये सर्कुलर पोर्शन बन रहा है, हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं।
और फिर आगे की कैलकुलेशन देखते हैं कि आगे हमें क्या करना होता है कैलकुलेशन में। तो अब कैलकुलेशन देख लेते हैं बच्चों। हमने वन ड्रॉप का वॉल्यूम ये मान लिया कि वी सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस तरह से जो हमने एन ड्रॉप ऑफ एस टू पोर किए थे वाटर की सरफेस पर, उनका वॉल्यूम हो गया एन वी सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, एन वी बाय 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों इसकी एन ड्रॉप को हमने वाटर की सरफेस पर पोर किया है, तो वाटर की सरफेस पर जो ओलिक एसिड स्प्रेड हुआ है उसका वॉल्यूम वही तो होगा ना जो हमने एन ड्रॉप्स डाली हैं, तो दोनों वॉल्यूम सेम हो गए। तो एन ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन में ओलिक एसिड है इतना, और सरफेस पर जो वॉल्यूम है उसको हमने इस तरह से लिख लिया एरिया ऑफ द फिल्म इनटू थिकनेस, क्योंकि कुछ तो मॉलिक्यूल की थिकनेस होगी ना, तो एक डिस्क की तरह से ये उस पर स्प्रेड हो जाते हैं वाटर की सरफेस पर। तो अब हमें थिकनेस फाइंड करनी है, तो थिकनेस क्या होगी फिल्म की, जो वॉल्यूम है फिल्म का जो हमने उस पर पोर किया है ओलिक एसिड का, अपॉन एरिया ऑफ द फिल्म। ओलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, एन वी बाय 400। एरिया ऑफ द फिल्म तो यहाँ पर सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने आर को डी बाय 2 लिख दिया है। हम इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम ए ही लिख दें, तो उसे देख लेते हैं हम कि अगर हम पाई आर स्क्वायर ना लेकर यहाँ पर हम एरिया को सिंपली ए लिख दें तो थिकनेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास थिकनेस का फॉर्मूला आ जाएगा एन वी अपॉन 400 ए, वेयर ए इज एरिया, पाई आर स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो हम इससे अब जो फिल्म बन रही है उसको मोनो मॉलिक्यूलर थिकनेस का मानकर मॉलिक्यूल का साइज डायमीटर वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेशन के बाद हम ये देखते हैं कि 10^-9 के ऑर्डर की थिकनेस आई है ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल की। अब हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, एक बार उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। 1 millimeter इज इक्वल टू 10^-3 meter। 1 micrometer जिसको माइक्रोन भी बोला जाता है 10^-6 meter। 1 nanometer इज इक्वल टू 10^-9 meter। 1 picometer इज इक्वल टू 10^-12 meter। 1 fermi बच्चों बहुत ही छोटी लेंथ मेजर करने की यूनिट है, जैसे न्यूक्लियस का साइज़ या फिर इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट वगैरह वहाँ यूज़ करते हैं हम इसको। एक और यूनिट रह गई है ये 1 angstrom। तो बच्चों एंगस्ट्रॉम जो है वो 10^-10 meter के इक्वल होती है, और वेवलेंथ को मेज़र करने में हम इसे यूज़ करते हैं। तो आई होप बच्चों कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हों तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन।